नमस्कार, मेरा नाम है यशस्वी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं न्यूज हेल्पलाइन। अफगानिस्तान में T20 लीग के दौरान हुआ बम धमाका, पूरी खबर क्या है विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अफगानिस्तान से आज एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई। शुक्रवार यानी आज 29 जुलाई को दिन में एक T20 मैच के दौरान स्टेडियम में धमाका हो गया। अफगानिस्तान की शपा गीजा T20 क्रिकेट लीग का यह मैच काबुल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा था। गनीमत ये रही कि खिलाड़ियों को इसमें कोई चोट नहीं आई और वह बाल बाल बच गए। यहाँ के एक स्टेडियम में एक आतंकी ने स्टैंड में उस वक्त धमाका कर लिया जब हजारों की संख्या में दर्शक वहाँ मौजूद थे। शुक्रवार को खेले गए इस मैच में बंदे आर्मी ड्रैगन्स की टीम पामिर जालमी के खिलाफ मैच खेल रही थी। संयुक्त राष्ट्र के कुछ अधिकारी भी इस मैच को देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद थे। जब स्टैंड में बम फटा तो सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए खिलाड़ियों को एक सुरक्षित जगह पर ले जाने का काम किया और उन्हें कुछ देर स्टेडियम में ही बने बंकर पर ठहराया गया। राहत की खबर यह है कि अब तक इस दुर्घटना में किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। अफगानिस्तान के मुख्य कार्यकारी नसीब खान ने बताया कि कुछ लोग इस हमले में घायल अवश्य हुए हैं। 2 दिन पहले अफगानिस्तान में गुरुद्वारे पर भी ऐसा ही हमला हुआ था। इस देश में ये कोई पहला या आखिरी हमला नहीं था। जिस देश में आतंकी संगठन ही सरकार चलाते हों उसमें ऐसे आए दिन बम धमाके होना तो एक आम बात है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शपा गीजा क्रिकेट लीग अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी ECB की एक T20 क्रिकेट लीग है, जिसे ECB हर साल आयोजित करवाता है। इस लीग में कुल 8 फ्रेंचाइजियां भाग लेती हैं, जिसमें राष्ट्रीय खिलाड़ी विदेशी और ए टीम के खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं। इस लीग में अंडर-19 के खिलाड़ियों को भी खेलने का मौका दिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और सबसे ज़रूरी, बने रहिए हमारे चैनल न्यूज़ हेल्पलाइन के साथ। धन्यवाद। दिल्ली NCR के तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज़ हेल्पलाइन को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी न्यूज़ आपसे रह न जाए।